बांग्लादेश में तूफान मचा रहा था गेंदबाज, इधर पाकिस्तान ने मंत्री बनाने का कर दिया ऐलान। 2 साल बाद टीम में लौटा खतरनाक गेंदबाज, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मचाएगा धमाल। दिग्गज ने बताया विराट कोहली को आउट करने का तरीका, इस गेंदबाज पर जताया भरोसा। विराट कोहली का मजाक उड़ाने वाले भी ये मानते हैं कि कोहली का जब बल्ला चलता है तो उसके तूफान को रोकने में 99% गेंदबाज फेल हो जाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज 9 फरवरी से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले कोहली के तूफान को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में महामंथन शुरू हो गया है। मतलब कोहली इस बार कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद क्रिकेट के इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ। जून 2023 में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीमें भाग लेंगी, इसका चयन इसके नतीजे पर ही निर्भर करेगा। इसलिए भी भारत के लिए इसे जीतना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने दावा किया है कि इस बार विराट कोहली का मुकाबला कप्तान पैट कमिंस करेंगे। गिलेस्पी ने दावा किया है कि 9 फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज में कोहली के तूफान को पैट कमिंस रोकेंगे। कोहली के बीच रोमांचक टक्कर होगी और विराट को पैट कमिंस आउट भी कर सकते हैं। जेसन गिलेस्पी की भविष्यवाणी में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब एक तेज गेंदबाज बांग्लादेश में तूफान मचा रहा था, इधर पाकिस्तान के अंदर उसे मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। खबर चौंकाने वाली है, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं सुनकर आपको और धक्का लगेगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज इन दिनों बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। इस बीच उन्हें पाकिस्तान में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तेज गेंदबाज वहाब रियाज को पाकिस्तान के पंजाब का कार्यवाहक खेल मंत्री बनाया गया है। मतलब कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुलना टाइगर्स के लिए खेलने वाले रियाज के लिए पाकिस्तान सरकार लौटने का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान लौटने के बाद रियाज मंत्री पद की शपथ लेकर पाकिस्तान के मंत्री बनेंगे। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि आप काम करते रहिए, फल देना ऊपर वाले का काम है। रियाज के पास राजनीतिक या फिर प्रशासनिक अनुभव नहीं है, हालांकि उनके ससुर और नकवी लाहौर के व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्य थे। पंजाब में कार्यवाहक सेटअप की स्थापना तक पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में सरकार का नेतृत्व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा किया जा रहा था, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान है। वहाब रियाज के मंत्री बनने के बाद क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है। वहाब रियाज से ज्यादा खतरनाक गेंदबाज इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर है। आर्चर की अब करीब 2 साल के लंबे विराम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो गई है। 2 साल बाद अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वनडे सीरीज के पहले मैच से शुरू किया है। जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाज हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच को अपनी उंगली से बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में फिर से जोफ्रा आर्चर का तूफान आना तय है। जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल नीलामी में 8 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन वह चोट के कारण नहीं खेल सके थे। 2023 की मिनी नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन कर अपनी टीम में बनाए रखा। जोफ्रा मुंबई इंडियंस के अलावा राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं। आईपीएल में अब तक 35 मैचों में 40 विकेट हासिल कर चुके हैं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।